होलकर कालीन लाल बाग इंदौर की पुरातत्व धरोहर है। इंदौर का लाल बाग 72 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। लाल बाग को अपने पुराने स्वरूप में लाने के लिए पर्यटन मंत्री और जिला संसाधन मंत्री ने परिसर का दौरा कर अवैध अतिक्रमण को हटाने पर चर्चा की। होलकर कालीन धरोहर लाल बाग के निरीक्षण के बाद मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि लाल बाग पैलेस को अपने वास्तविक रूप में पहुंचाने के लिए आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग ने चिंता जताई है। निरीक्षण के बाद मंत्री ने कहा कि काम की गति फिलहाल धीमी दिखाई दे रही है, जिसे तेज किया जाएगा। साथ ही परिसर से अवैध अतिक्रमण और असामाजिक तत्वों को हटाकर परिसर में बच्चों के लिए भव्य गार्डन और योगासन के लिए स्टेज बनाने की बात कही है। कुल मिलाकर सकारात्मक वातावरण लालबाग में दिखाई दे, इसी उद्देश्य से आज का यह दौरा था। साथियों, हम सब जानते हैं कि पुरातत्व की अमूल्य धरोहर है हमारा लालबाग, तो वो अपने बहुत ही वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करे, ऐसी चिंता आर्कियोलॉजी ने की है। पर काम की गतियां धीमी दिख रही है, इसी दृष्टि से आज इसका यहाँ निरीक्षण रखा। आदरणीय तुलसी भैया भी जब संस्कृति मंत्री थे, तब उन्होंने यहाँ काम को बहुत तेजी से गति दी थी। और मुझे लगता है जो सड़कें आज हमें अंदर आने तक की दिखाई दे रही हैं, वो आदरणीय तुलसी भैया जब संस्कृति मंत्री थे उस समय ये बनी हुई है, तो उनका भी विशेष अगाव है। और हम सब इंदौर के हैं, तो मुझे लगता है हम से हर किसी का चिंता है लाल बाग को लेकर। तो ये अपने बहुत सुंदर स्वरूप को प्राप्त करे, यहाँ से अतिक्रमण गुंडागर्दी ये सब समाप्त हो, उस बात के लिए सब लोग हम चिंतित हैं। इसका बाउंड्री वॉल बन जाए, इसमें सुंदर नक्षत्र वाटिका बन जाए, इसमें योग के लिए व्यवस्थित स्थान बन जाए और एक सकारात्मक संपूर्ण वातावरण लाल बाग में दिखाई दे, इस चिंता को लेकर आज ये दौरा है। वहीं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि लालबाग राजवंश होलकर घराने की धरोहर को नया स्वरूप देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। लालबाग स्थित चंपा बावड़ी को लेकर नगर निगम आईडीए के साथ प्लान बनाया जा रहा है, जिसे जल्द ही साफ पानी लोगों को दिखाई देगा।